बजाज फिनेंस स्टोरी स्टिल इंटैक्ट। सो आज एक रिपोर्ट निकली है बजाज फिनेंस के बारे में और ऑब्वियसली टारगेट बहुत ज्यादा दिया है, इसलिए बहुत सारी चर्चा हो रही है बजाज फिनेंस के स्टॉक की। अराउंड 18% ऊपर का टारगेट दिया है जेफरीज ने। सो बट ये इसके पीछे के रीजन समझने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट सजेस्टिंग यू कि 18% का टारगेट उन्होंने ऊपर दिया, दैट्स व्हाई यू शुड गो एंड इन्वेस्ट, बट एज अ बिजनेस, एज अ फ्यूचर स्ट्रेटेजी बजाज फिनेंस की यहाँ पे समझने की कोशिश हम करने वाले हैं, बिकॉज एक अच्छा खासा प्रेशर जो है बजाज फिनेंस के स्टॉक में हमने रिसेंट पास्ट में, स्पेसिफिकली लास्ट 1-2 सालों में देखा है। और अच्छा खासा करेक्शन भी ऊपर से लेके नीचे तक 52 वीक हाई लेवल से नीचे तक गया था। अभी रिसेंट पास्ट में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस बजाज फिनेंस ने कंपेयर टू बेंचमार्क क्रिएट किया है, बट ओवरऑल एज अ बिजनेस, एज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं बजाज फाइनेंस की। उससे पहले दोस्तों एक बार फिर से याद दिला दूं, कैप्टन कूल ये प्रोमो कोड एक्टिव है फॉर लास्ट 24 आवर्स बचे इस सेल में। तो invest.in को विजिट कीजिए और ये जो प्रोमो कोड है कैप्टन कूल, इससे आपको हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% मिलेगा। अगर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो देन द डिस्काउंट शुड बी एज हाई 70 to 75% ऑल्सो। तो invest.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं बजाज फिनेंस के बारे में। तो क्या है वो रीजंस जिसको लेके मार्केट या फिर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिसर्च की जो पूरी कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है बजाज फिनेंस के रिलेटेड। सो एक तो आने वाले समय में यहां से भी अराउंड 27% का CAGR एक्सपेक्टेड है इन लोन बुक ग्रोथ। सो आई थिंक कंज्यूमर लोन्स की अगर हम बात करते हैं तो 50% मार्केट शेयर है बजाज फिनेंस के पास। वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं 30% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो लोन्स मार्केट में दिए जाते हैं वो बजाज फिनेंस देता है। 27% ऑफ आईफोन जो लोन पे लिए जाते हैं या फिर जो EMI कार्ड पे लिए जाते हैं वो भी बजाज फिनेंस की तरफ से ही लिए जाते हैं। तो काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर जो है वो कंज्यूमर लोन्स में बजाज फिनेंस का है और बहुत सारे बैंक्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल आई थिंक जो इनोवेशंस बजाज फिनेंस के पास है फ्रॉम दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स तो वो काफी फेनोमिनल है। टोटल जो कस्टमर का बुक है इनका वो 6.94 करोड़ कस्टमर्स का है। 55 to 60% का क्रॉस सेल रेशियो इस कंपनी के पास है। एवरी क्वार्टर 70 से 75 लाख नए लोन्स ये कंपनी दे रही है एंड ईयर ऑन ईयर 20% का ग्रोथ भी नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड ओवरऑल मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे हमें नजर आते हैं। सो आई थिंक दैट इज फेनोमिनल अचीवमेंट एंड कंसिस्टेंटली दे आर कीपिंग इट अहेड ऑफ द कंपटीशन। मार्जिन्स भी जो है वो भी काफी स्टेबल है। एसेट क्वालिटी भी बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने मेंटेन की हुई है। काफी कंफर्टेबल लेवल पे ग्रॉस एंड नेट एनपीए के नंबर्स इनके हैं एंड कंसिस्टेंटली इंप्रूव भी यहाँ पे हो रहे हैं, ये भी समझना होगा। अनसेक्योर्ड लेंडिंग समझी जाती है इनके मेजर जो कंज्यूमर लोन्स है, बट स्टिल एनपीए लेवल्स आर अंडर कंट्रोल। इट शोज दैट कि ओवरऑल जो क्रेडिट मैनेजमेंट है या फिर रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी का। अब जो एक्सपेक्टेशंस कंपनी की तरफ से है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स फ्रॉम FY23 to FY26, वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशन है वो अराउंड 26% के। 26% अर्निंग्स ग्रोथ अराउंड 30 के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के पास नजदीक ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अभी आप बोलोगे यार बैंक एंड NBFCs में थोड़ी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखते हैं, बट अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट ग्रोथ दे रही है तो इन दैट पर्टिकुलर केस मुझे लगता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखने में कोई हर्ज नहीं है। वाई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो नहीं देखे जाते बैंक या NBFCs के? बिकॉज कंसिस्टेंसी इन अर्निंग्स नहीं होती है, एसेट क्वालिटी खराब हो जाती है एंड दैट्स वाई प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ दिस NBFC मुझे ऐसा लगता है काफी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट ग्रोथ में, अर्निंग्स में इस कंपनी ने दिखाई है एंड दैट्स व्हाई आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो आल्सो एंड दैट्स व्हाई फॉर 26% अर्निंग्स ग्रोथ इफ सम स्टॉक इज अवेलेबल एट 30 प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मुझे लगता है वो स्टॉक आपकी रडार पे होना चाहिए फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। रिटर्न ऑन इक्विटी के भी एक्सपेक्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो 25% प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी के एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कंपनी के पास है। अब ये जो नंबर है वो 25% प्लस कैसे ये कंपनी रख रही है, तो आई थिंक फंडिंग कॉस्ट जो है आने वाले 2 से 3 सालों में फॉल इन फंडिंग कॉस्ट भी, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा विच विल इंप्रूव देयर मार्जिन्स। सो अभी इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इज ऑन ऑलमोस्ट पीक, वहां से इंटरेस्ट रेट सिनेरियो नीचे जाने की ही चांसेस ज्यादा है एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर मूव जो है वो इनके रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स भी यहां से बढ़ा सकता है। आई थिंक नए नए सेगमेंट्स में भी कंपनी यहाँ पे एंटर कर रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे हम करने वाले हैं। सो ऑटो लोन्स में नए तरीके से दे आर कमिंग इनटू ट्रैक्टर लोन्स, कमर्शियल व्हीकल लोन्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वाले लोन्स या इमर्जिंग कॉर्पोरेट्स के लोन्स, ये अलग अलग सेगमेंट में उन्होंने एंट्री ली है, दे हैव फोरेड इनटू। एंड अगर जो प्लेटफॉर्म्स कंपनी ने बिल्ड किए हैं फॉर लास्ट 4 to 5 years, कंपनी हैज बिल्ड न्यू प्लेटफॉर्म्स या एप्स या फिर नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस उन्होंने जो ओपन किए हैं, आई थिंक दीज इनिशिएटिव्स विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट्स इन नेक्स्ट 3 to 4 years, ऐसे कंपनी के जो सीईओ है मिस्टर राजीव जैन जी उन्होंने कहा है। सो लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली आई थिंक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो। इन्होंने नेक्स्ट 10 साल के व्यू के हिसाब से, बिजनेस व्यू या विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं। तो इट शोज अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑल्सो। एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं वो तो काफी अच्छी तरीके से कंपनी कर रही है, नए नए सेगमेंट्स में एंट्री लेना, नए नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना, एप्स डेवलप करना, क्रॉस सेल रेशियो वहां से बढ़ाना, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल बी क्वाइट मीनिंगफुल इन नेक्स्ट 3 to 5 years। और इफेक्टिवली जो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी जो है कंपनी का, वो भी यहाँ से इंप्रूव होगा फ्रॉम 35% टू ऑलमोस्ट 30% के लेवल तक लेके जाने की कोशिश कंपनी यहाँ पे करने वाली है। सो ऑब्वियसली ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अगर बढ़ती है यहाँ पे, सो ऑपरेटिंग लिवरेज प्ले आउट होगा एंड इट विल ऑल्सो इंप्रूव देयर अर्निंग्स ऑल्सो एंड इफेक्टिवली रिटर्न ऑन इक्विटी वहां से भी अच्छी तरीके से यहाँ बढ़ सकता है। सो ओवरऑल आई थिंक द स्टोरी इज स्टिल इंटैक्ट बजाज फाइनेंस की। This is one stock which should be on your radar, whether to invest or not to invest, ये आप आपके एडवाइजर को पूछ के वो कॉल ले सकते हो। बट रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज अगर आप लोगों को चाहिए तो आप invest.in को विजिट कीजिए एंड प्लीज यूज प्रोमो कोड कैप्टन कूल, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल। अगर आप 3 साल के सब्सक्रिप्शन लेते हो या फिर कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाते हो देन द डिस्काउंट वुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो। तो invest.in को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जय हिंद।